मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धार्थ किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बना रहे हैं साग, मिक्स साग। मिक्स साग में हम लोग ये बथुआ है और ये चने की साग है। इसमें मूली के पत्ता, मेथी पत्ता और ये हम लोग का ये पालक है। ये पालक की साग है, ये धनिया की पत्ती है, इस सबको और एक चीज़ तो भूल गए हम बोलना, इसमें पालक, पालक तो ये है, इसमें सरसों और मूली के पत्ता मिक्स है। अब इसको अच्छे से हम लोग कटिंग कर लेंगे, सारे साग को अच्छे से हम लोग कटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम लोग बारीक बारीक सब साग को हम लोग काट लेंगे और ये कुकर में कुछ साग हम लोग डाल दिए हैं। इसमें डाल करके इसको सारे साग को इसमें हम लोग मिक्स करेंगे। साग को हम लोग गैस पर चढ़ा दिए हैं, साग को कटिंग कर करके धीरे धीरे उसमें हम लोग सारे साग को मिक्स कर देंगे। लगभग सब साग को हम लोग इसमें कटिंग करके डाल दिए हैं। देखिए इसमें उबाल आना भी शुरू हो गया है और इसमें हम लोग इसको अच्छे तरह से मिला लेंगे। पानी इसका थोड़ा सूखने के बाद हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अपने स्वाद के हिसाब से, जितना साग बना रहे हैं आप लोग उसी हिसाब से अकॉर्डिंग नमक आप डालिएगा। 10 मिनट छोड़ने के बाद गैस देखिए, ये लगभग साग हम लोग का बन करके तैयार होगा। थोड़ा सा पानी इसमें सूख जाए फिर हम लोग इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसमें हम लोग हरे मिर्च और अदरक और थोड़ा सा तेल इसमें मिलाएंगे। फाइनली दोस्त, ये मेरा साग, मिक्स साग बन करके तैयार हो गया है। इसमें हरा मिर्च और अदरक, नमक अपने हिसाब से अपना डाल दीजिएगा, साग जितना हो उसी हिसाब से, पानी सूखने के बाद। और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं सब कुछ डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बना करके खाइए, जाड़ा में साग बहुत ही अच्छा लगता है और ये साग सिर्फ जाड़ा में ही मिलता है। गर्मी में ये साग आपको खाने को नहीं मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।